अब वो देखे वो हमारा लव बर्ड देखे कैसे ये ना पानी वाली कोली ना उल्टी कर देता है, उठा के ना उल्टी कर देता है और बीज वाली उसमें बैठ के गिराने लग जाता है सारे वो दाने अपने ना, सारा दाना अपना पैरों से ना निकाल निकाल के बाहर फेंकता रहता है। हम ये खरगोश ले आए हैं, देखे खरगोश कैसा है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि उसके पास चकोर पड़े हुए हैं तो उसने सेल करना है, तो हमने उसे कहा कि हमें दे दो हम ले लेते हैं। तो जब मैं सोया हुआ था जबकि चकोर आए हैं घर, घर वालों ने उसको उधर ही जहाँ पर मोर पड़े हुए हैं उधर ही उनको रख दिया था। तो जब मैंने उनको देखा तो वो चकोर नहीं थे, वो थे गिनी फॉल। ठीक है, उनको कई लोग इधर हमारे पाकिस्तान में चकोर भी कहते हैं, चाइना मुर्गी भी कहते हैं, तो उनका असल नाम गिनी फॉल है। ठीक है, तो वो हमने अब मोरो वाली जगह पर ही रखे हुए हैं, हमने उनकी सेटिंग उधर ही करनी थी क्योंकि उधर हमने दो तीन किस्म के बर्ड और भी अभी रखने हैं। तो चले आपको हम अपने गिनी फॉल दिखाते हैं। तो आज वो अब गिनी फॉल देखें, मैंने अभी तक नहीं देखे थे तो मैं भी अभी देखने लगा हूँ। ये घर वालों ने इधर ना यहाँ पर कपड़ा लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ना बिल्ली आके बैठी रहती थी, यहाँ पर आके इनको देखती रहती थी इन सब चीजों को, तो इस वजह से घर वालों ने यहाँ पर कपड़ा लगा दिया ताकि बिल्ली की नजर ना पड़े इनकी तरफ। दोस्तों ये देखें हमारे गिनी फॉल, डोर बंद कर लेते हैं, वो अंदर चलेंगे गिनी फॉल। यार नहीं पर डोर के पास उनको ना मैं उनको बाहर निकाल, मेरे पास है। ये देखिए हमारे गिनी फॉल, इनमें से एक मेल है और दो फीमेल हैं। दोस्तों इनमें एक मेल है और दो फीमेल हैं। ठीक है, तो ये देखें वो एक का कलर व्हाइट पे व्हाइट व्हाइट है नीचे से। तो दोस्तों ये जब आए हैं ना इधर तो ये थोड़ा ना लड़ रहे थे, मतलब ये चकोर जो है ना हमारे पीकॉक्स को मार रहे थे मोरों को, तो इस वजह से ना फिर भाई तो पहले उठ गया था तो भाई ने ये फिर पानी वाला इधर रख दिया, ये पानी उनके लिए इधर सेट कर दिया और खाने के लिए इधर सेट कर दिया ताकि उनको ये चकोर मोरों को तंग ना करें क्योंकि ये एक जगह पर खा पी भी नहीं रहे थे। भाई ने बताया था कि खा पी भी नहीं रहे एक जगह पर, वो जो चकोर है उनको पास ही नहीं आने दे रहे थे, तो मोर इधर ही ऊपर ही बैठे हुए थे। अभी जब ऊपर आए हैं हम तो इधर ही बैठे हुए थे वो मोर भी ना, तो इस वजह से इनका पीने का सिस्टम उधर कर दिया है खाना पीना, ताकि अभी कुछ दिन इनको लग जाएंगे एडजस्ट होने में ना, चार पांच दिन इनको अभी लग जाएंगे एडजस्ट होने में, तो इंशाल्लाह कुछ दिन तक ये सेट हो जाएंगे हमारे मोर भी और ये भी। ये देखे हमने जो दो डंडे लगाए थे ये बहुत काम दे रहे हैं हमें, क्योंकि मोर कभी हमारे उधर जाके बैठ जाते हैं कभी इधर बैठ रहते हैं, तो मजे कर रहे हैं ये। तो इंशाल्लाह हम कुछ दिनों तक ना इधर और भी कुछ बर्ड्स लेकर आएंगे अपने। अच्छा तो दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल ही गया था, मेरा बड़ा भाई बाहर गया था किसी काम से तो वो दाना लेने से गया था तोतों का ना, तो उसको ना एक जगह पे चूजे नजर आए, चार चूजे, तो वो कल चूजे भी ले आया था तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा चूजे चार थे तो ना रात हमने गिराज में रखे होते हैं सारे, ये पैरट्स हो गए सारे परिंदे जो भी है ना गिराज में रखे होते हैं, तो चूजों के लिए अभी प्रॉपर जगह नहीं बनाई थी हमने, तो उसको ऐसे ही एक पेटी सी थी उसके ऊपर जाली लगा के उनको रखा हुआ था, तो एक बिल्ली आई है वो हमारा एक चूजा उठा के ले गई, तो जिस वजह से हमारा एक चूजा खत्म हो गया और अब हमारे पास तीन चूजे पड़े हुए हैं, मैं आपको वो तीनों चूजे दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें हमारे वो तीन चूजे, ये तीनों असील चूजे हैं और जिससे लेके आया भाई उसने कहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और एक और फुल ब्लैक चूजा था वो वाला जो बिल्ली खा गई है, तो इनको चूजे भाई रात ही दाना डूबने लग गए, इनके लिए हम कोई प्रॉपर जगह बनाते हैं अब कि कहां पर इनको रखना है, अभी फिलहाल इनको केज में ही रखेंगे
इनके लिए कोई ऐसी बॉक्स वगैरह कोई रख बनाएंगे जिसमें इनको रख सके। ये बहुत तेज है, हाथ में नहीं आते जल्दी। ये वाला चूजा हमारा सबसे बड़ा चूजा है, मतलब हाइट में, हाइट इसकी बहुत अच्छी है इस चूजे की ना। ये मैना पीछे पीछे आ रही है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। दोस्तों हमारे कॉकटेल ने अभी तक अंडा नहीं दिया, अभी नहीं दिया अभी तक अंडा। इन्होंने 3 अंडे दिए थे, वो 3 के 3 खराब हो गए थे। अब नेक्स्ट क्लच में इंशाल्लाह कैच करे कि वो अब फर्टाइल हो जाए, खराब ना हो। इनकी भी हम सेटिंग कुछ दिन तक ना, सब पैरट की ये बर्ड जो भी हैं, इनकी हम ऊपर ही रूम में कर रहे हैं इंशाल्लाह कुछ दिनों तक। अब ऐसा ऐसा हम चीजें लेके आ रहे हैं तो इंशाल्लाह अपने ऊपर वाली जगह हम पूरी भर देंगे चीजों के साथ। यार मैं ये नीचे बैठा था, ये नीचे नहीं उतर रहा ना, हमारी मैना सब कुछ ही खा लेती है, इसको जो भी हम डाले ना सब कुछ खा लेती है बड़े शौक से। हम अपने राह को भी आज पानी निकालते हैं, इनको मैं पानी इसलिए नहीं निकालते हैं, इनके पर फूल बड़े हैं और ये उड़ जाएंगे अगर पानी निकाला ना इनको, तो इनको ऊपर करेंगे ना ऊपर रूम में, फिर ये खुले फिरेंगे। ये देखें बाहर आके ये कहता है बस छोड़ो मुझे और मैं उड़ू इधर से। क्या कर रहे हैं? अच्छा यहाँ ऐसे करो ना, एक वो छापर पड़ा हुआ है चीजों के लिए, दाना उसमें वो डाल के, नहीं मोरो का नहीं, एक और अच्छा मैं लेकर आता हूँ, मैं बताऊँ मैं भी बहुत शौक से खा लेती है रोटी, रोटी हम डालते पूरी खोली खा लेती है। मोरो वाला दाना थोड़ा खत्म हुआ पड़े, वो भी लेके आना है हमने, और अभी ये ना मिक्स चीज पड़ी हुई है जो पैरट्स को देते हैं हम ना, तो इसमें से यही दे देते हैं, क्योंकि इसमें बाजरा वगैरह गंदम और मकई है इसमें ना, तो चूजे ये भी खा लेते हैं शौक से। वो देखे खाने लग गया।
से भाग भाग के लड़ लड़ के खा रहे हैं। हाँ बस ठीक है, उसको रख दिया है, वो मैंने देखो कैसे खा रही है, उसको रख दिया नीचे यान ने और वो खुद ब खुद खाई जा रही है अपना। ये इन्होंने सारा गिरा दिया नीचे, खैर इनकी आदत है ये ना ऐसे ही खाए खाते हैं। पानी ऐसे गिरा रहे हैं वो, देखे वो हमारा लवबर्ड देखे कैसे ये ना पानी वाली कोली ना उल्टी कर देता है, उठा के ना उल्टी कर देता है और बीज वाली उसमें बैठ के गिराने लग जाता है सारे वो दाने अपने ना, सारा दाना अपना पैरों से ना निकाल निकाल के बाहर फेंकता रहता है। दोस्तों हम अपने चीजों को ना इसमें रखते हैं और ये हम ना ऊपर से बंद कर दिया करेंगे और इसको अभी हम ना अपने घर के अंदर ही रखा करेंगे वॉल में, क्योंकि अभी हमने ना और चूजे भी लेकर आने हैं कुछ दिन तक, तो फिर इनके लिए कोई केज लेके आएंगे हम बड़ा। चूजों को हम लेके रखते हैं यहाँ चूजा दोस्तों, हमने इनको अब इस टोकरी में रख दिया है, ठीक है, पानी भी रख दिया हमने इनके लिए इधर, तो खाना अभी इन्होंने खा लिया है, खाना हम इनको अब शाम के टाइम देंगे, ठीक है। तो अब ये पैरेट को बंद कर देते हैं यार, ये मैंने तो अपने को बंद रखा है, मैंने अभी रखा था। अच्छा चलो बस ठीक है, उसको अंदर ही रहने दे, अभी इनको भी बंद कर देते हैं, शाम का टाइम हो रहा है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच पाए। ओके तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।